सही बात तो है ना, मोदी जी ने क्यों कहा पिछले 40 साल का जो जीवन है सामाजिक जीवन वो खुली किताब, उन्होंने पूरे देश को, समाज को, पार्टी जहां काम किया सबको उन्होंने परिवार माना। उन्होंने यदि पार्टी में ही किसी को बढ़ाने की कोशिश की तो दूसरे लोगों को बढ़ाया था, ना उनके जाति का है, ना धर्म का है, ना वर्ग का है, ना उनके राज्य का है। आज इतनी बड़ी पार्टी बनी भारतीय जनता पार्टी, तो उनको क्रेडिट जाता है। आज ही सुबह मुझे अमेरिका से एक दोस्त आए थे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कितना प्राइड होता है, हम प्राउड फील करते हैं कि पूरा अमेरिकन सोसाइटी कहता है कि भारत एक मजबूत इकोनॉमी है, हमको इन्वेस्ट करना है। आज पूरे देश दुनिया में जो है भारत का नाम बढ़ा है। और ये घटिया आदमी था जैसा आदमी जिसने की चारा देके क्या क्या कर दिया, और परिवार के अलावा आप ये समझिए कि बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, बेटा मंत्री बनेगा, वाइफ मंत्री बनेगी, बेटी राज्यसभा में जाएगी, वो सब आज इस तरह की बातें करें। निशिकांत जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आपने आपके एक्स हैंडल में परिवर्तन नहीं किया है, आप भी मोदी का परिवार है कि नहीं मैं पूछ लेता हूँ। जी ये राजस्थान का कारण मेरी आपसे बात हो जा रही है, यही आप समझिए कि 2G पर हूँ, ना 3G लगता है ना 4G लगता है। हालत ये खराब है क्योंकि राज्य सरकार जो है परमिशन नहीं देती टावर लगाने का, और टावर लगता ही नहीं, स्थितियां इतनी खराब। जी यही हाल जो है एंड के रिंग चेंज नहीं हो पाए, तो ट्विटर मैं खुद ही हैंडल करता हूँ। जी कारण से समझते हैं, वो हो जाएगा, चेंज होता है। जी और निशिकांत जी, आप ये लालू प्रसाद जी ने ये भी कह दिया कि मोदी जी हिंदू ही नहीं है क्योंकि अपनी माता के निधन पर उन्होंने ना दाल बाल दाढ़ी नहीं मुंडवाए, ये भी कटाक्ष किया है। अब उनको सर्टिफिकेट चाहिए कि हिंदू है कि मुसलमान है। यदि वो बहुत हिंदू है तो सावन के महीने में राहुल गांधी को मटन खिला रहे थे, बिहार झारखंड में तो सावन में मटन ही खाता थे उन लोग, उसको बनवा रहे हैं, उसको खिलवा रहे हैं, अपना को देखें। और दूसरा सवाल यह है कि जो हमारे राज्य बिहार में जो रिचुअल वो उत्तर प्रदेश में लागू, जो उत्तर प्रदेश में लागू है सबों का साथ, विवाह अलग है, रिचुअल हमारे यहाँ साथ में साथ, साउथ इंडिया शादी, आप देख रहे थे अपने रिश्तेदारों के साथ साथ साउथ इंडिया, आप क्या चीजों को गुजरात अलग हमारा ये जो है चौथा करते हैं यहाँ, आज करने के बाद चौथा होता है हमारे यहाँ बिहार में। और झारखंड क्या देखता कि कोई 11 करता है, कोई 12 करता है, कोई 10 करता है, और राज्य तो क्या तो 15 के साथ करता है, ये किस तरह की बात करता है यार, क्या क्या आदमी को कुछ बता ही नहीं है धर्म बारे में। पर क्या ये प्रेशर में किया गया है क्योंकि बीजेपी और प्रधानमंत्री परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ बोलते आ रहे हैं, तो क्या इसलिए इसका जवाब दिया गया है? क्योंकि मुख्तार निशिकांत जी आप बने रहिए फोन पर, मुख्तार अब्बास नकवी जी भी हमारे साथ फोन पर हैं। मोदी का परिवार, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी के नेता मोदी का परिवार अपने हैंडल पर, एक्स के हैंडल पर जोड़े हुए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जी क्या कहेंगे आप मेरा भारत मेरा परिवार के आह्वान को? देखिए अभी भी देश भूला नहीं है जिस तरह से चौकीदार चोर का इन्होंने जिस एक क्रिमिनल एक्ट समय किया था और उसका जनता ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। अब दिक्कत इनके हो गई है कि ये जो कुनबा है उसका जो कोसो पाठ मोदी को कोसने का पाठ्यक्रम है वो कंगाली का कार्यक्रम बनता जा रहा है। और ये भी अच्छी तरह से मालूम है जो कुनबे का जो पूरा पूरा इस तरह का जो इसके परिवार वालों का मोदी जी पर जो है वो हमला होता है वो जो है वो इनके जो है वो पैक करता है पर उल्टा पर। पर क्या क्या आवश्यकता पड़ी होगी लालू प्रसाद यादव को ये कहने की कि मोदी का परिवार ही नहीं है? ये क्या परिवारवाद पर जो जिस तरह से हमला कर रही है बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या उसका रिएक्शन था? उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मोदी हिंदू ही नहीं है। ये कुंडे की मंडली और करप्शन की कुंडली वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि ये मोदी जी को कोसते कोसते
कितने कोस दूर मंजिल से पहुंच रहे हैं, मंजिल से जा रहे हैं, मंजिल से अलग हो रहे हैं, ये इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इनका नरेंद्र मोदी जी को के खिलाफ जो दुष्प्रचार का अभियान है या दुष्प्रचार की जो सनक है, वो जनता उसको जो है वो सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब उनको करेगी और बार भी उनको 24 चौपाल चारों खान करेगी। उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखें कि एक तरफ जनता है, एक तरफ पब्लिक है, वो नरेंद्र मोदी के जीत के हैट्रिक में डटी हुई है और दूसरी तरफ इस तरह के ये परिवार की कुंडली और करप्शन की मंडली वाले नरेंद्र मोदी को हटाने के सनक में इस तरह की बयान बहादुरी या बकवास बहादुरी करके अपना बंटा धार देश और समाज सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को अपना परिवार कहा है, 140 करोड़ की जनता को अपना परिवार कहा है। क्या जनता इस भाव का आदर करेगी मुख्तार अब्बास नकवी जी? बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी जी की तपस्या की ताकत और परिश्रम का परिणाम आज न केवल भारत के गांव गली चौक चौराहों चौपालों पर सर चढ़ करके बोल रहा है, इस बात को वो लोग भी समझते हैं जो लोग कि नरेंद्र मोदी जी को कोसने के कंपटीशन में लगे हुए हैं। और उनको ये भी अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी को कोसने का इनका कंपटीशन इनको जो है वो किस मुकाम पे पहुंचा रहा है और किस जगह पहुंचाएगा, एक चीज। दूसरी चीज एक देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो बिना ऐसे ऐसा नेतृत्व है जो ग्राउंड जीरो के ग्लोबल हीरो है, वो जिन्होंने बिना रुके हुए बिना थके हुए देश के आन बान शान, देश के सम्मान और देश के गांव गरीब झुकी झोपड़ी के इंसान तक जो है विकास और विश्वास का एक ऐसा माहौल खड़ा किया है, एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिससे कि हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित कर रहा है। लेकिन ये बात सही है जो इस तरह के करप्शन के जो कुंडे वाले लोग हैं उनको जो है उस कुंडे की मंडली और कुंडली वाले लोगों को जो है वो गर्व तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मुख्तार अब्बास नकवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। निशिकांत दुबे जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो मैं मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार 2019 में, मैं मोदी का परिवार 2024 में, ये आह्वान मेरा भारत मेरा परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, इन्हीं तस्वीरों पर अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अपने देश में नहीं दूसरे देश में अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता लग। अरे मंच पर राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं है, राहुल गांधी दिखे नहीं है। पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। इतनी भी समझ नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता। और हिंदू धर्म की जागृति जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। उनकी भाषा माननीय लालू प्रसाद जी आपको शोभा नहीं देता है, जीवन के अंतिम चरण में आप इस ढंग की भाषा और व्यक्तिगत टिप्पणी आप जिस ढंग से कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, राज्य के मुख्यमंत्री पर, यह निश्चित रूप से यह बताता है कि आपके पास भाषागत समृद्ध परंपरा नहीं है। इसी के चलते राजनीति के लंपटीकरण का जो आप पर आरोप लगता रहा है उसका आज यथार्थ बोध हुआ।